नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कोई पेशेंट कि हमारे यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें सिस्ट हो गया है, उसमें फाइब्रॉइड हो गया है और इस प्रकार से तीन चार डिजीजें हो गई हैं। आज हम उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। इस पेशेंट का काफ़ी सालों से यूट्रस में इन्फेक्शन है। तो हमने इनके तीन चार अल्ट्रासाउंड देखे और जो लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड है उसको देख के हमने इनको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में मेडिसिन दी है। आप जो है इस प्रकार से इस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये इस प्रकार से आप अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं इस पेशेंट का। देखो कितना इन्फेक्शन हो रखा है यूट्रस में, और जो है फाइब्रॉइड भी है इसको, और सर्विसाइटिस भी है, और ओवराइ सिस्ट भी है। इस प्रकार से हम आपको जो है इस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड दिखा रहे हैं। ये पेशेंट बहुत परेशान था कई सालों से, इनका अदर पैथियों में ट्रीटमेंट चल रहा है, और इस प्रकार से हमने इनके चार पांच अल्ट्रासाउंड देखे दो तीन साल पुराने। ये जो इन्फेक्शन है जैसे वैसे ही है, जो इनका सिस्ट है वैसे ही है, और जो ये फाइब्रॉइड है वो भी ऐसे ही है, और सर्विसाइटिस भी ऐसे ही है, ओवराई जो सिस्ट है वो भी लगभग चार पांच अल्ट्रासाउंड में ऐसे ही का ऐसे ही है। तो अब हम इनका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों, हम इनको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये इस प्रकार से हमने जो है इनको S2, S3, L2, D4 में देंगे, C2, C3, C5, D4 में देंगे, A3, GE, YE का D5 में देंगे, ऑर्गेनिक प्लस हमारे पास सिरप है वो देंगे। ये कैंसरोसिस R1 ये हम जो है इस पेशेंट को दे रहे हैं, ये पेन और एंटीबायोटिक का काम करता है। इस प्रकार से इस पेशेंट का ट्रीटमेंट आज शुरू हो गया है।